हे गाइस, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रोजेक्टर तो खरीद लेते हैं, लेकिन यार प्रोजेक्टर के साथ वो एक चीज़ मिस कर देते हैं, मोस्टली लोग मिस कर देते हैं, और वो होती है एक प्रोजेक्टर स्क्रीन। और प्रोजेक्टर स्क्रीन अगर आप अपने प्रोजेक्टर के हिसाब से अगर आप ले रहे हो, तो डेफिनेटली बोलूंगा भाई 4-5 गुना आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है बेटर कर देता है। और रिसेंटली यार मैं भी अपना होम थिएटर अभी बिल्ड कर रहा हूँ, उसको कंप्लीट होने दो, उसके बाद उसकी भी एक वीडियो आ जाएगी। लेकिन उस होम थिएटर में मैं यहाँ पर जो स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्टर की, वो यहाँ पर है एक ALR स्क्रीन। अब आप पूछोगे भाई ALR क्या होता है, तो ALR का मतलब है एम्बियंट लाइट रिजेक्टिंग। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई अगर आपके रूम में कोई बल्ब जल रहा है या फिर विंडो वगैरह है जिससे बहुत तेज रोशनी अंदर आती है, या फिर दिन में अगर आप कभी प्रोजेक्टर यूज़ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको पता होगा बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्टर हैं जो आप दिन में यूज़ कर सकते हो। लेकिन ALR स्क्रीन के साथ ये जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करता है, क्योंकि ALR स्क्रीन का मतलब जैसे मैंने बताया एम्बियंट लाइट रिजेक्टिंग, तो ये आसपास की जो एम्बियंट लाइट होती है उसको रिड्यूस कर देता है, और वही लाइट रिफ्लेक्ट करता है जो आपका प्रोजेक्टर उस स्क्रीन पर मार रहा है, और उससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आती है। तो आसपास की जो भी एम्बियंट लाइट रहती है उसको वो रिजेक्ट कर देता है, और सिर्फ जो प्रोजेक्टर की लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करके आप तक पहुंचाता है। तो इस वजह से यहां पर ये जो एम्बियंट लाइट रिजेक्टिंग स्क्रीन है आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफी बेटर कर देती है। और मैं जो स्क्रीन यूज कर रहा हूं अपने होम थिएटर के लिए, वो यहां पर है बिग व्यू कंपनी की, और ये एक LR स्क्रीन है जैसे मैंने बताया। और मैंने जो स्क्रीन साइज चूज किया है वो है 120 इंच, लेकिन मैंने 120 इंच की स्क्रीन मंगाई थी, और जब ये डिलीवर हुई तो इसका जो बॉक्स है, जैसा आप देखते हो काफी बड़े बॉक्स में ये डिलीवर होती है, और इस स्क्रीन को आपको खुद से असेंबल करना होता है। इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मिलती है, तो आप उसको पढ़कर आराम से यहां पर असेंबल कर सकते हो। तो सबसे पहले स्क्रीन के लिए आपको एक फ्रेम बिल्ड करना होता है, तो यहां पर इसके फ्रेम्स के जितने भी जो पार्ट्स रहते हैं वो आपको इसके बॉक्स में मिलते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ALR स्क्रीन, तो वो यहां पर कुछ इस तरह से रैप होकर आती है, और जितने भी कंपोनेंट चाहिए इस स्क्रीन को बिल्ड करने के लिए वो सारे आपको इसके बॉक्स में ही मिलते हैं। और जैसे बताया, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के इसको आराम से बिल्ड कर सकते हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प लोगे तो थोड़ी सी जल्दी बन जाएगी। मैंने यहां पर खुद से बिल्ड करी थी, तो मैं उसका एक टाइम लैप्स आपके सामने बना देता हूं, और देख सकते हो भाई बहुत जल्दी से मैंने खुद से इसको बिल्ड कर दिया था। और ये जो स्क्रीन है इसको बनाने में मुझे लगा कम से कम भी 1-1.5 घंटा लगा है वैसे, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो आराम से आप इसको आधे घंटे या 1.5 घंटे में बना सकते हो। और जो मैंने स्क्रीन लिया उसके साथ यहाँ पर एक 1 इंच का बॉर्डर भी है, जो इस स्क्रीन को भाई काफ़ी सही लुक दे देता है। और कंप्लीट होने के बाद जैसा आप देख सकते हो भाई, स्क्रीन हमारी कुछ इस तरह से है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। इस स्क्रीन से पहले मैं एक 100 इंच की स्क्रीन यूज़ करता था, वाइट कलर की, थोड़ी सी सस्ती सी थी, काम चल जाता था मगर, लेकिन ये जो स्क्रीन है 120 इंच की स्क्रीन काफ़ी बड़ी स्क्रीन है उसके मुकाबले, और 20 इंच ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन भाई 20 इंच और 100 इंच में काफ़ी फर्क है। लेकिन इस स्क्रीन को बिल्ड करने के बाद जो अब मेन काम था इसको कहीं पर लगाना, तो इसके साथ आपको कुछ हुक्स मिलते हैं, उसको आप अपने दीवार पर ड्रिल करके इस स्क्रीन को आराम से कहीं पर भी टांग सकते हो। और स्क्रीन को लगाने के बाद जैसा आप देख सकते हो भाई, एकदम थिएटर वाली फील आ जाती है। लेकिन अब बात करते हैं स्क्रीन की परफॉर्मेंस की। तो इस स्क्रीन पर जैसे ही आप यार अपना प्रोजेक्टर यूज करोगे, मेरे पास एक बहुत ही बजट वाला प्रोजेक्टर है जिसका मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया था, तो मैंने इसी के साथ उसको यूज किया, और यहां पर जैसा आप देख सकते हो भाई, जो स्क्रीन है काफी ब्राइट हो जाती है, कलर्स जैसा देखोगे ना काफी पंची से कलर हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशो भी काफी अच्छा रहता है स्क्रीन के ऊपर। और जैसा आप देखोगे मेरे रूम में यहां पर एक काफी बड़ी सी विंडो है, और उसके बाद भी यहां पर जो स्क्रीन का जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है, कलर्स है, या फिर जो इसकी क्वालिटी है, देख सकते हो काफी बढ़िया है। मतलब इस स्क्रीन को यूज करके अगर आप दिन में भी प्रोजेक्टर वगैरह यूज करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, कोई यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा आप देख सकते हो कि यहां पर जो कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशो है, या फिर इवन जो यहां पर क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया है। तो इस स्क्रीन को यूज करके अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्टर है जो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, तो यहां पर जो आपको ब्राइटनेस का लेवल है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। और उसके अलावा एक और चीज बताता हूं कि आपको मार्केट में कुछ चीप ALR स्क्रीन भी मिल जाती है, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनके जो विंग एंगल्स होते हैं बहुत ही बेकार होते हैं, लेकिन इस स्क्रीन में आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। इसके जो विंग एंगल्स हैं बहुत ही सही हैं, कितने भी आप साइड से देख लो यहाँ पर उसी तरह से आपको कलर, कॉन्ट्रास्ट रेशो और आपकी जो क्वालिटी रहेगी काफ़ी बढ़िया रहती है। तो इस स्क्रीन की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया, और वीडियो बनाने तक मैं इसको पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने इसको दिन में भी यूज़ किया है और रात में भी यूज़ किया है। तो दिन में तो जैसे मैंने बताया, अगर आप थोड़ी बहुत भी एम्बिएंट लाइट रहती है तो इसको रिजेक्ट करके काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इस स्क्रीन को रात को यूज़ करते हो तो इसकी जो क्वालिटी है और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट रेशो और अच्छा हो जाता है, कलर्स और वाइब्रेंट आपको दिखेंगे, और इस स्क्रीन पर लेट नाइट मूवीज़ देखने का तो भाई मज़ा ही कुछ और है। मैं बोलूँगा कि भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछली जो स्क्रीन में यूज़ कर रहा था उससे कम से कम 10 गुना बेटर है। तो ओवरऑल ये जो ALR स्क्रीन है बिग व्यू की तरफ से मुझे भाई बहुत ही सही लगी, और जैसे मैंने बताया मैं अपना जो होम थिएटर उसे बिल्ड कर रहा हूं, तो ये जो स्क्रीन है एक काफी अच्छा एडिशन है मेरे जो होम थिएटर सेटअप में। और इस स्क्रीन को यूज करने के बाद मुझे समझ में आया कि प्रोजेक्टर तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा भाई स्क्रीन भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। और इसीलिए मैंने शुरू में भी बोला था कि कई लोग प्रोजेक्टर तो खरीद लेते हैं लेकिन भाई स्क्रीन पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो कि भाई आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर कर देता है। और अगर आप अपने घर में कोई होम थिएटर बना रहे हो तो बिग व्यू की ये जो ALR स्क्रीन है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली ALR स्क्रीन है तो ये जो स्क्रीन रहती है ये थोड़ी महंगी रहती है नॉर्मल स्क्रीन से। और ये जो 120 इंच की जो स्क्रीन है इसका जो प्राइस है वो अराउंड 36,000 के आसपास है,
जो भी करंट प्राइस रहेगा वो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी स्क्रीन ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और जैसे मैंने बताया मैं होम थिएटर बिल्ड कर रहा हूँ, और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है, उसका जो टूर देखना है, तो उसके लिए भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा।